ये जो यहाँ पे डॉट से लेके गाड़ी का यहाँ पे जो लेफ्ट वाला ए पिलर होता है, मेरे को बता ये कहाँ पे है, कहाँ पे एग्जैक्टली है ये गाड़ी? ये गाड़ी तो लगभग मेरे पास है, थोड़ी पास है राइट। अभी देख कहाँ पे है गाड़ी का मिडिल, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस जो है लगभग 3 फीट का है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे छोटा एरो, यहाँ पे बड़ा एरो, देखो जहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है ठीक है वो एग्जैक्टली है मेरा मिडिल पे। अभी वो मेरे गाड़ी का एकदम बाहर, जितना इसका आधा का मेजरमेंट होगा, मेरा 6 फीट का है, ये गया 3 फीट, 3 फीट का आधा कितना हुआ 1.5 फीट। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है राइट, मगर मैं यहाँ पे बैठ के ना मैं देख रहा हूँ इधर पे है। अभी अगर मैं उसके पीछे ना जाके उसको मैं इधर धीरे धीरे करके लेके आ रहा हूँ ठीक है, देखो इधर इधर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने एक कार का डायग्राम है, इसका मदद से हम लोग कार की जजमेंट को जानेंगे और इसके अंदर सब कुछ डिटेल्स रहेगा, यानी कि राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस रखना है, सब कुछ डिटेल्स में बारीकी से। सभी लोगों को मेरा रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही डिटेल्स में आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा कैसे क्या करना है जजमेंट लेने के दौरान, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा आप लोगों के पास कैसा भी गाड़ी हो सकता है, छोटा गाड़ी हो सकता है, बड़ा गाड़ी। अभी हम लोग जानेंगे सबसे पहले स्टेप वन, आप लोगों को जानना है आपका कार का विड्थ कितना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये गया नंबर वन। नंबर टू, आपका जहाँ पे ड्राइवर का सीट है वहां से जो पिलर है, यानी कि ये वाला ए पिलर होता है राइट का, ए पिलर होता है लेफ्ट का, बी पिलर राइट, बी पिलर लेफ्ट। तो यहाँ पे आप लोगों को देखना है ड्राइवर का सीट से आपका जो गाड़ी का एकदम फ्रंट जहाँ पे बोनेट यानी कि खत्म होता है वहां तक का डिस्टेंस कितना है, एकदम लास्ट तक ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्यों, ये आप लोगों को दरकार पड़ेगा फ्रंट जजमेंट के लिए। गया ये नंबर वन, नंबर टू गया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से लेके एकदम फ्रंट बोनेट तक, समझ लो ये मेरा स्टीयरिंग है ठीक है। ये जो दो एरो यहाँ से आ रहा है ये हमारा लेफ्ट की आंखें हैं, राइट की आंखें हैं। अभी ये जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पे देखिए शेड दे दिया मैंने ठीक है, ये वाला है डैशबोर्ड। अभी सबसे पहले डैशबोर्ड का मिडिल को लेना है, ये वाला हमारा डैशबोर्ड का मिडिल है, ये जो यहाँ पे डॉट है ये डैशबोर्ड का मिडिल पॉइंट है। अभी नेक्स्ट जो डिस्टेंस आप लोगों को मेजर करना है वो है ये जो यहाँ पे डॉट से लेके गाड़ी का यहाँ पे जो लेफ्ट वाला ए पिलर होता है वह तक, यानी कि गाड़ी का जो साइड होता है ये व्हील तक नहीं, यहाँ तक, ये जो गाड़ी का साइड यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो समझ लीजिए आपका गाड़ी का लेंथ जो विड्थ है 6 फीट का है, तो उसका आधा कितना होता है 3 फीट ठीक है। तो यहाँ पे 3 फीट का डिस्टेंस नहीं तो जो भी है आपका गाड़ी का साइज उसका आधा यहाँ पे मिडिल पे एक पॉइंट ले लेना है, हो सकता है टेप लेके कोई भी लेके इसको यहाँ पे मार्क कर दीजिए। नंबर टू, यहाँ पे जो लाइन होता है इसका भी आप लोगों को इसका भी मिडिल लेना है और वहां पे 3-4 यहाँ पे ऐसा डॉट मैंने दे दिया, एक वाला ए वाला डिस्टेंस, ए वाला ए वाला। इस डॉट से ये जो डिस्टेंसेस है ना ये डिस्टेंस लगभग आप लोगों को 4 इंच से लेके 5 इंच रखना पड़े, ये वाला गया 4 इंच का, ये वाला गया 4 इंच का, ये वाला गया 4 इंच का, क्यों बाद में बताता हूं मैं। अभी वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनो दोस्तों, हर गाड़ी का लेफ्ट व्हील यानी कि सामने पीछे होता है ठीक है, एक जैसा जो इसका मेजरमेंट नहीं रहता है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेफ्ट साइड जजमेंट के लिए जो मेन चीजें हैं क्या देखना है आप लोगों को, आप लोगों को गाड़ी के सामने जाना है ठीक है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद लेफ्ट व्हील का जो सामने है यहाँ से एक लाइन सोचना है, जो लाइन एग्जैक्टली मिडिल पे जाएगा, यानी कि जो यहाँ पे मैंने डॉट दिया ये डॉट की दिशा पे जाएगा लाइन, आप लोगों को इसको देखना है कहाँ पे जा रहे हो लाइन, जहाँ पे वो लाइन डॉट पे मीट करेगा आप लोगों को बैठ के यहाँ पे ड्राइवर के सीट पे बैठ के उस पॉइंट से यहाँ पे जगह छोड़ना है, क्या जगह छोड़ना है समझ लीजिए। मैं यहाँ पे एक स्केल का एग्जांपल लेता हूँ, समझ लीजिए एक गाड़ी है ठीक है, समझ लीजिए एक गाड़ी आ रहा है ठीक है, सामने से गाड़ी आ रहा है, तो यहाँ पे इसको यहाँ पे रखना है छोटा गाड़ी के लिए, उससे भी बड़ा यहाँ पे, उससे भी बड़ा यहाँ पे, ऐसा करके आप लोगों को उसको मेजर करना है, यहाँ पे डिस्टेंस को छोड़ना है ठीक है, और देखना है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे कुछ, यहाँ पे छोटा एरो, यहाँ पे बड़ा एरो, यहाँ पे और उससे भी बड़ा, सामने से भी छोटा एरो, उससे भी बड़ा, ये लाइन और थोड़ा बड़ा होगा। देखो दोस्तों अगर कोई भी आपका गाड़ी छोटा है, समझ लो आपका गाड़ी ऑल्टो है, सामने से और एक ऑल्टो आ रहा है, यानी कि आपका गाड़ी छोटा उसका गाड़ी भी छोटा, आप लोगों को यहाँ तक का स्पेस छोड़ना है तो हो जाएगा, काफी है, यानी कि मिडिल से लगभग 3 इंच। समझ लो आपका गाड़ी स्कॉर्पियो है, सामने से टोयोटा का गाड़ी आ रहा है, फॉर्च्यूनर आ रहा है ठीक है, बहुत बड़ा गाड़ी है, तभी आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप लोगों को बड़ा वाला लेना है ठीक है, ये वाला लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग मेन रोड के ऊपर आ चुके हैं, अभी हम लोग जानेंगे जजमेंट को एकदम डिटेल्स में बारीकी से। आप लोग देख सकते हैं मेरा गाड़ी के अंदर जो यहाँ पे डैशबोर्ड है, हम लोग स्टेप वन स्टेप टू करके जानेंगे। स्टेप वन यानी कि सबसे पहले आप लोगों का जो गाड़ी है जो भी है उसका बोनेट दिखाई दे सकता है, नेवी दिखाई दे सकता है, अगर आप लोगों को दिखाई देगा तो भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेजरमेंट लेना है इस डैशबोर्ड का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ इस कांच का मेजरमेंट नहीं लेना है, आपका गाड़ी का जो बोनेट है उसका मेजरमेंट लेना है, एकदम एंड से लेके राइट एंड से लेके लेफ्ट एंड तक इसको आप लोगों को ले लेना है ठीक है सबसे पहले। उसके बाद वो मेजरमेंट का मिडिल को चुनना है, जैसा समझ लीजिए मेरा गाड़ी 6 फीट का है ठीक है, 5 फीट 11 इंच लगभग 6 फीट का है, तो उसका हाफ कितना होता है 3 फीट, तो यहाँ पे 3 फीट के अंदर मेरे को एक पॉइंट को चुनना है ठीक है, एग्जैक्टली मिडिल पे। इस मिडिल से अभी आप लोगों को दो बटवाड़े में बटवाड़ा कर देना है, एक वाला ए वाला हिस्सा, जैसे पुराना वीडियो के अंदर मैंने कहा था ए वाला हिस्सा ठीक है, हो गया। इसके बाद क्या करना है, अभी ये जो हिस्सा लेफ्ट पे है इसका मिडिल को चुनना ठीक है, मिडिल को भी चुन सकते हैं, मिडिल से थोड़ा सा भी इधर भी रख सकते हैं, मगर
ये जो लेंथ है इस लेंथ को आप लोगों को देखना है। तो मेरा जो गाड़ी है, मेरा यहाँ पे गाड़ी का लेंथ मैंने कहा 6 फीट का, यहाँ पे ये कितना हुआ 3 फीट का है। अभी ये जो 3 फीट है, इस 3 फीट के हुई लेखी मसला है। तो जो लाइन मैं बार बार लाइन बोलता हूँ दोस्तों, सबसे पहले राइट के लिए ऐसा लाइन सोचना है जो बाहर की तरफ जाएगा, जो गाड़ी आपके सामने आएगा उस लाइन से वो गाड़ी बाहर रहे, मगर ये लाइन ऐसा जाएगा। अभी इस मिडिल से भी आप लोगों को एक लाइन सोचना है, इसको लेकर थोड़ी देर बाद डिस्कशन करते हैं। जहाँ पे आपका स्टीयरिंग है, इस स्टीयरिंग से जैसे मैंने बोला जहाँ पे आप लोगों का गाड़ी का मिडिल है, इस मिडिल से एक लाइन ऐसा जाएगा जो लाइन खत्म होगा गाड़ी के सामने जाके, सामने का जो लेफ्ट व्हील है उसके सामने जाके, उसको भी हम लोग अभी बाहर जाके देखेंगे। यहाँ से अगर हम लोग लाइन सोचते हैं, वो लाइन सामने जो लेफ्ट व्हील है उसके सामने जाता है या नहीं। सब गाड़ी का लेफ्ट व्हील एक जगह पे नहीं रहता है, किसी गाड़ी का पीछे रहता है, किसी गाड़ी का सामने रहता है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे लाइन अगर आप लोग सोच रहे हैं, अगर आप लोग इस मिडिल से जाएंगे तो लेफ्ट व्हील के सामने नहीं जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग को यहाँ से सोचना है, मगर उसको आप लोग थोड़ा बहुत ऐसा कर सकते हैं। अभी जो भी गाड़ी आपके सामने आ रहा है, यानी कि छोटा गाड़ी हो सकता है, बड़ा गाड़ी हो सकता है, उसके लेंथ के हिसाब से आप लोगों को इस लाइन को यहाँ पे मूवमेंट करना है। मूवमेंट कैसे करना है, क्यों करना है, क्योंकि जो भी गाड़ी आपके सामने ऐसा आ रहा है ना, उस गाड़ी को आप लोग को इधर पे रखना है, स्टीयरिंग को स्टीयर करके। आप लोग देख सकते हैं रास्ते का जो एंड है, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो रास्ते का एंड पे ही मेरा लग रहा है मेरा गाड़ी का मिडिल है, मगर मेरा जो गाड़ी का मिडिल है ना वो रास्ते के एंड से अंदर है, यानी कि रास्ते के अंदर है मेरा लेफ्ट व्हील वहाँ पे, जहाँ पे आप लोग को ऐसा लगेगा रास्ते के ऊपर से जहाँ पे जा रहा है आपका मिडिल, वो रास्ता का कहीं पे भी जगह से जा रहा है मिडिल, उस मिडिल से आपका लेफ्ट व्हील जा रहा है, आप लोगों का मिडिल नहीं जा रहा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं गाड़ी का जो मेरा लेफ्ट टायर है कहाँ पे, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। मगर देखो आप लोग, जैसा मैंने कहा, यानी कि लेफ्ट व्हील से गाड़ी का मिडिल यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिस्टेंस जो है लगभग 3 फीट का है, और ये डिस्टेंस आप लोगों को ऐसे नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेना है, लेना है ऐसा, ठीक है, ऐसा लेना है। जो भी गाड़ी ऐसा सामने आएगा उसको इस मिडिल से इधर पे रखना है। अभी छोटा गाड़ी है तो इधर, ठीक है, अगर उससे भी बड़ा गाड़ी है इधर, उससे भी बड़ा गाड़ी है तो इधर, उसका पोजीशन को टैली करना है, ठीक है। जितना आप लोग यहाँ पे छोड़ेंगे उतना गाड़ी यहाँ पे सेफ रहेगा। अगर समझ लीजिए आपके सामने कोई भी बस आ रहा है तो उस बस को साइड देने के लिए आप लोग को उस बस को इधर पे लेके आना है। देखो जहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है, ठीक है, वो एग्जैक्टली है मेरा मिडिल पे है, ठीक है। जब भी वो मिडिल पे है मेरे को कैसे देखना है, ऐसा देखना है, जब भी वो पैडल इधर जाएगा आस्ते आस्ते धीरे धीरे इधर जाएगा तब मेरे को, मैं उसको भट्टे करके जा सकता हूँ। मगर अभी अगर मैं जाऊंगा ना तो मेरा, आप लोग देख सकते हैं, मेरा बोनेट के साथ उसका यानी कि धक्का लग सकता है, तो उसको मेरे को इधर पे लेके आना है, थोड़ा सा इधर जा। अभी देखो कहाँ पे, यहाँ पे, अगर यहाँ से मैं ऐसा सोचता हूँ तो इस लाइन से अंदर है, ठीक है, थोड़ा सा और, ठीक है। देखो अभी, देखो अभी वो मेरे गाड़ी का एकदम बाहर है, एकदम ही बाहर है, ठीक है, वो यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे अगर वो रहता है तो मैं उसको साइड देके जा सकता हूँ। अभी हम लोग जानेंगे गाड़ी को ड्राइव करके, प्रैक्टिकल देखेंगे कहाँ से कौन सा लाइन से हम लोगों को जजमेंट को बरकरार रखना है, ताकि गाड़ी के अंदर कोई भी स्क्रैच वगैरह ना आए, ठीक है। चलो देखते हैं, एक एक करके हम लोग एग्जांपल को देखेंगे, ठीक है। रास्ते का कहाँ से आपका लेफ्ट व्हील गाड़ी का गुजर रहा है उसको आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए। गाड़ी जहां से जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है मेरा गाड़ी जहां से जा रहा है, कहां से मेरा लेफ्ट व्हील है मेरे को पता है। जो भी गाड़ी हमारा सामने जा रहा है, अगर हम लोग उसका एग्जांपल लेते हैं, देखो मैं अगर यहां से जाता हूं, वो मेरा इस सेक्शन के अंदर है, उसको मेरे को इस सेक्शन के अंदर लेके आना है, ठीक है। देखो अभी अगर ये रिक्शा है, देखो यहाँ पे है, मगर फिर भी बहुत जगह खाली है, उसको साइड देके भी लगभग 1 फीट का गैप मेरे से उसका था, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को छोटा गाड़ी के लिए उतना गैप नहीं देना है। अगर बहुत ही टाइट रास्ता है, ठीक है, आप लोगों को एकदम टाइट जजमेंट करना है, जैसा कि मिडिल से थोड़ा थोड़ा, यानी कि 2-3 इंच का डिस्टेंस रहेगा मिडिल से, गाड़ी ऐसा आएगा आप लोगों को गाड़ी से उधर से ही निकलना है, ठीक है। ये गया तो लेफ्ट साइड के लिए, राइट साइड बहुत आसान है। देखो ये जो गाड़ी है, रास्ता थोड़ा टिल्टेड था, मेरा जो यहाँ पे जो लाइन में सोच रहा था उस रास्ते के हिसाब से आप लोगों को इस लाइन को भी सोचना है, ठीक है। चलो आगे जाते हैं और देखते हैं एग्जांपल्स, आगे बहुत सारा डिफरेंट तरीके का गाड़ी आएगा ताकि आप लोगों को बहुत आसानी होगा समझने में, ठीक है। चलो आगे जाते हैं। देखो अभी ये जो सामने रिक्शा जा रहा है ना, एक मोटर जैसा वैन जा रहा है, अगर मैं इसके पीछे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, मैं स्लो जाता हूँ, दिखाता हूँ। देखो अभी, देखो मैं इसके संग संग जा रहा हूँ, अभी मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ, ठीक है। देखो अभी, देखो ऐसा जा रहा है, ठीक है। वो अभी अगर मैं उसके पीछे ना जाके उसको मैं इधर धीरे धीरे करके लेके आ रहा हूँ, ठीक है। देखो इधर 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 इधर, देखो इधर हो गया, यानी कि वो उधर चला गया। जब भी वो इधर आ गया मैं उससे निकल गया, और मेरे को स्टीयरिंग घुमाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो देखो धीरे धीरे जा रहा हूँ, ठीक है, कहाँ पे काफी है ना, यानी कि जो भी चीजें यहाँ पे आ रहा है मैं इसको लीव करके जा सकता हूँ। हाँ, जब भी टाइट सिचुएशन आएगा आप लोगों को गाड़ी को इधर से ही घुमाना पड़ेगा, देख देख के, जब भी टाइट होगा। मगर जब भी ऐसा खाली एकदम खाली खाली रास्ता होगा तभी आप लोगों को ज्यादा करके स्पेस छोड़ना है। तो यहाँ पे आप लोग, एक गलती मैंने किया था, आप लोग देखे होंगे शायद, क्या गलती, वो गलती यही है, मैं ज्यादा बाएं से जा रहा था, वो मेरे को और भी पुश कर रहा था। तो मैं इसीलिए कह रहा था आप लोगों को, हमेशा
रास्ते का मिडिल से नहीं, थोड़ा बहुत राइट करके जाना है, यानी कि ऐसा जाना है रास्ते का, उधर से नहीं जाना है। देखो वो कहाँ पे है, अभी यहाँ पे है, ठीक है, मैं हल्का सा स्टीयर किया, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे है, ठीक है, वो बहुत दूर है, मगर ड्राइवर के सीट पे बैठ के आप लोग को ऐसा लगता है वो इधर पे है। तो इधर पे अगर वो लगेगा ना, अगर आप लोग देखेंगे वो गाड़ी यहाँ पे है, वो एक्चुअली यहाँ पे नहीं है, वो उधर पे है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक बंदा मेरे को बहुत मतलब कमेंट कर रहा था, उसके पास बेलेनो है, ठीक है, तो बोल रहा है बेलेनो बहुत जगह ज्यादा लेता है, ठीक है, लगभग 5.5 फीट से ज्यादा का गाड़ी है, 5 फीट 8 इंच के आसपास शायद। तो वो मेरे को बोल रहा है, सर क्या मैं ज्यादा जगह छोड़ू बेलेनो के लिए कम्पेयर टू ऑल्टो? तो मैंने कहा नहीं, ऑल्टो जो भी ऑल्टो है, जो भी बेलेनो है, स्कॉर्पियो है, जो भी है, सभी गाड़ी के लिए आप लोग उसको यहाँ पे रखिए, ठीक है, थीके? यहाँ से लगभग आपका जो भी आंखों के अंदाज से आप लोगों को लगभग 6 इंच मैक्सिमम यहाँ पे छोड़ना है, 6 इंच। तो अगर आप लोग यहाँ पे 6 इंच छोड़ेंगे, इसका मतलब ऐसा नहीं वहां पे जो भी 6 इंच छोड़ेगा, तो यहाँ पे अगर आप लोग 6 इंच छोड़ेंगे सामने जाके वो हो जाएगा लगभग 14-15 इंच के आसपास, उसका डबल ट्रिपल हो जाएगा वो जगह जो है। तो इसीलिए मैं बताता हूँ, ये जो लाइन है इसको बाहर की तरफ सोचना है, ऐसा करके सीधा नहीं। चलो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आप लोग को समझ में आए, ठीक है, और एक एग्जांपल की तौर पे हम लोग एक गाड़ी के पीछे जाएंगे और देखेंगे। हमेशा याद रखना है गाड़ी का वहां पे जो लेफ्ट सेक्शन का जो कितना डिस्टेंस है, वो 2 फीट का है, 3 फीट का है, जितना फुट होगा वो वाला डिस्टेंस, यानी कि मिडिल से बाएं तरफ, उसका भी आधा लेना है, वो आधा को आप लोगों को छोड़ देना है, बस खत्म, सीधी सी बात है, ठीक है, उतना कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं लेना है। जितना इसका आधा का मेजरमेंट होगा, मेरा 6 फीट का है, ये गया 3 फीट, 3 फीट का आधा कितना हुआ, 1.5 फीट, 1.5 फीट, ठीक है, तो 1.5 फीट जगह आप लोगों को छोड़ देना है, एग्जैक्टली मिडिल से 1.5 फीट, नहीं तो स्पीलर से 1.5 फीट, उसका मिडिल ही होगा। तो आप लोग देख पाएंगे जो भी गाड़ी जा रहा है वो मेरा, अगर इसका मिडिल से जा रहा है इस सेक्शन का, मैं आराम से उसको क्रॉस करके जा सकता हूँ। यहाँ पे टर्निंग है, टर्निंग की दिशा पे स्टीयरिंग को ज्यादा नहीं घुमाना है, हल्का सा स्टीयर करना है, पावर स्टीयरिंग है, गाड़ी कहाँ चला जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे देखो एग्जांपल, कहाँ पे देखो, इसका मिडिल पे आएगा, देखो इसका मिडिल पे, राइट, मिडिल पे आया, मैं आ गया बाहर, यानी कि आप लोगों को हमेशा उसको मिडिल पे लेके आना है बाई सेक्शन का। मगर मेरा दोस्त वहां पे बैठा है, मगर उसको नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, मिडिल पे देख रहा हूँ मैं उसको, मगर वो उसको और भी ज्यादा देख रहा है, राइट, तो वो उसको देख रहा है और दूर पे है वो, ठीक है, मगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो मिडिल पे है, मगर वो एक्चुअली मिडिल पे है नहीं, वो उससे भी दूर है। तो वो अगर देखेगा, वो जब देखेगा मिडिल पे है, तो मैं फिर देखूंगा और नजदीक है। तो इसीलिए ड्राइवर के सीट पे बैठ के आप लोगों को कुछ और दिखाई देगा, और जो पास में बैठा रहेगा उसको कुछ और दिखाई देगा, ठीक है, ऐसा। देखो आगे जाते हैं और एग्जांपल की तौर पे और भी देखते हैं, ठीक है। देखो सामने जो रिक्शा वगैरह जो भी आ रहा है, सब मेरे से काफी दूर है, काफी दूर। देखो अभी देखो सामने जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक सिंबल है ऐसा करके, यानी कि रोड पे टर्न है, वो भी देखना है। देखो वो जो लोग पैडल जा रहा है, लड़की लोग, ठीक है, तो देखो कहाँ पे है, मैं देख रहा हूँ क्या, मेरा मिडिल से बाइक का हिस्सा से मिडिल से गया वो, एग्जैक्टली मिडिल से गया, ठीक है, मगर वो क्या देखा, वो देखा और भी दूर से जा रहा है वो, ये चीज बात पे रखना है, ठीक है। सामने जो रिक्शा है उसको भी देखा करो, देखो मैं एकदम ना स्लो हो जाऊंगा वहां पे जाके, ठीक है, ताकि समझ में आए, देखो वो अभी वहां पे है, राइट, उसको मैं इधर पे लेके आऊंगा, देखो कहां पे जा रहा है, उसका मैं एकदम घिस के जा रहा हूं, ठीक है, देखो यहां पे गया, यहां पे हो गया, यहां पे जब भी यहां पे आया वो सेपरेट हो गया मेरे से। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, यही मेन फंडा है दोस्तों, ये लेफ्ट साइड जजमेंट का फंडा मेन यही है। एटी क्रॉस कर गया, नहीं एटी टच किया था, स्पीड बहुत ज्यादा है इस गाड़ी का, बहुत हाई पिकअप गाड़ी है ये, यानी कि 2 सेकंड के अंदर 80 है, 3-4 सेकंड के अंदर 80। ये लोग को देखो यहाँ पे बैठा, यहाँ पे है सब, फोटो सेशन कर रहा है। देखो यहाँ पे जो देखो वो जो रिक्शा है, ठीक है, मैं यहाँ पे स्लो कर दिया गाड़ी को, स्लो किया, ठीक है, 4 नंबर गियर 3 नंबर गियर, क्लच को मैंने अभी भी प्रेस करके रखा, ठीक है, ताकि गाड़ी का स्पीड और ये मैच हो जाए। देखो अभी देखो इसको, देखो अभी मैं इसके पीछे पीछे जाता हूँ, उसको लगेगा मैं इसके पीछे पीछे क्यों जा रहा हूँ। देखो अभी देखो यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे है, राइट, मगर मैं यहाँ पे बैठ के ना मैं देख रहा हूँ इधर पे है, तो आप लोग को इधर पे ही बैठ के चलाना है, तो फिर आप लोग को इधर से ही डिसीजन लेना है। वो जो रिक्शा है मेरे को लग रहा है
ये जो मेरा राइट सेक्शन के अंदर है, मगर एक्चुअली वो है उधर पे, मगर देखो अभी वो उधर पे चला गया, यानी कि वो उधर से भी बाहर, उससे भी दूर है वो, मेरे को लगता है ऐसा, वो मेरा नजदीक है मगर वो नजदीक नहीं है। तो इसीलिए जो भी गाड़ी है आप लोग अगर इस हिस्से का मिडिल से उसको छोड़ेंगे, देखो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे राइट, तो यहाँ पे ठीक है, मैं गया स्टीयरिंग को हाथ लगाया नहीं लगाया, देखो गाड़ी उससे ऑलरेडी दूर चला गया है, ठीक है, तो ऐसा जाना है, ठीक है, ये चीजें आप लोगों को माथे पे रखना है। ड्राइवर का सीट से कुछ और लगेगा, जो पैसेंजर सीट की तरफ से और लगेगा, यानी कि डिस्टेंस उसको और ज्यादा लगेगा, मेरे को टाइट लगेगा, तो इसीलिए उधर पे ज्यादा स्पेस नहीं छोड़ना है, लगभग 7 इंच 6 इंच मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, इंच बोल रहा हूँ, ठीक है, 6 इंच 6 फीट नहीं 6 इंच छोड़ना है यहाँ पे। ये जो लड़के लोग जा रहे हैं कहाँ पे, मैंने टच किया स्टीयरिंग को, टच नहीं किया। देखो दोस्त यहाँ पे मैं गाड़ी को घुमाता हूँ, वहां पे मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जगह है काफी, क्योंकि यहाँ पे ना सब गाड़ी स्लो जाएगा, स्कूल है ना, तो अच्छा मौका मिला मेरे को गाड़ी घुमाने के लिए, क्योंकि ये रास्ता उतना खाली नहीं रहता है, अभी तो शाम हुआ नहीं, होने वाला है शाम, तो इसीलिए अभी खाली है, जब शाम हो जाएगा ना 6 बजे बज जाएगा, तो उसके बाद पूरा भीड़ ही भीड़ हो जाएगा रास्ता। अभी सामने देखो काफी भीड़ भाड़ रहेगा, आप लोगों को आसानी होगा समझने में, ठीक है, 2 नंबर गियर है गाड़ी का, धीरे धीरे करके मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, क्योंकि सामने स्कूल छुट्टी हो रहा है, काफी भीड़ है, धीरे धीरे जाना है। यहाँ पे क्लच को फुल प्रेस करके रखना है मेरे को और रुक जाना है, ताकि रास्ता जब तक खाली ना हो, जाना नहीं है, 1 नंबर गियर पे गाड़ी है, क्लच रिलीज किया, गाड़ी धीरे धीरे करके आगे जा रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हल्का सा करके मेरे को 2 नंबर गियर देना पड़ेगा और गाड़ी को चला देना है, नहीं तो गाड़ी एकदम नहीं चल रहा था, 1 नंबर गियर पे बहुत देर तक चल रहा था ना गाड़ी, इसीलिए 1 नंबर गियर पे गाड़ी। वहां पे देखो वो बंदा जो है साइकिल लेके है, उसके साथ मेरा जो डिस्टेंस है ना, ऐसा लग रहा था यहाँ पे बैठ के उसके साथ मेरा टच हो रहा है जो साइकिल के साथ, मगर बिल्कुल नहीं, वो भी काफी दूर था मेरे से, ठीक है। अभी देखो सामने जा रहा हूं मैं, देखते रहो वीडियो को, ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करो, आप लोग मेरी सिर्फ बात मत सुनो, आप लोग उस पोजीशन को देखो, ठीक है, मैं इसीलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो सब तो बात तो एक ही होता है, मगर अलग अलग सिचुएशन होता है। ये देखो सामने जो, देखो जो साइकिल जा रहा है कहां से जा रहा है, यहां से, ओके, वो बंदा मेरे से दूर है, ठीक है, मगर मैं इधर से जा नहीं सकता, गाड़ी आ रहा है, देखो अभी वो कहां पे, देखो कहां पे, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, ठीक है, वहां पे राइट, मगर वो मेरे से काफी दूर है, शाका तो तू मेरे को बता कहां पे, वो तो दूर है थोड़ा, इसको देखो साइकिल को इधर उधर कर रहा है, थोड़ा दूर है राइट, मगर वो मेरे से काफी दूर था, तो देखो मैं धीरे धीरे करके जा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी है, आसानी होगा, ठीक है। देखो और स्कूल का इलाका है ना, बच्चे लोग कोई इधर उधर करेगा ना, दोष आप लोगों की होगा, ठीक है, आपके लिए हुआ ऐसा, ऐसा बोलेगा, तो बहुत सावधानी से इस रास्ते में ड्राइव करना है दोस्तों। चलो अब चलो, देखो सामने देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, वीडियो को, ऐसा जा रहा हूं मैं, ओके, देखो देखा कैसा गया। अभी यहाँ पे वो लोग जहां पे, लोग नहीं लड़की लोग, जहां से था मेरे से काफी दूर था, ठीक है, सामने जो भी गाड़ी जा रहा है, यहाँ पे एग्जांपल ज्यादा मिलेगा आप लोगों को। देखो ये जो भी गाड़ी जा रहा है, देखो मैं और भी स्लो जाता हूँ, ठीक है, देखो कहां पे है, कहां पे वो सको, तो दूर है ना मेरे से, मगर मेरे को कैसा लग रहा है, मेरे को लग रहा है इधर पे है, मेरे को लग रहा है नजदीक है, मगर वो एक्चुअली दूर पे है, ठीक है, मैं वहां पे तो दिखा नहीं सकता हूँ, तो मैं दिखा देता, ऐसा लगेगा वो नजदीक है मेरा, मगर वो काफी दूर है। मेरे को बता ये कहाँ पे है, कहाँ पे एग्जैक्टली है ये गाड़ी, ये गाड़ी तो लगभग मेरे पास है, थोड़ी पास है राइट, अभी देख कहाँ पे, अभी दूर हो गया, दूर हो गया ना, थोड़ा दूर हो गया, देख अभी देख ये उसका सिचुएशन, यहाँ पे बैठ के अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं उसको यहाँ पे रखता हूँ, कहाँ पे वो, अभी दूर है, दूर है ना, देख उसका पोजीशन देख कहाँ पे, यहाँ पे बैठ के उसका पोजीशन कहाँ पे, मिडिल पे है। मैंने बोला था इसका जो भी, इसका मिडिल को डिवाइड करके उसका मिडिल को लेना है इस सेक्शन का, तो वही हुआ, वो गाड़ी जब भी इधर आ गया, इधर पे बैठ के मैं देख रहा हूँ, तो वो हो गया राइट, ऐसा करना जजमेंट। वो लोग फोटो खींच रहा था, चलो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो मैं गाड़ी को थोड़ा सा स्लो किया दिखाने के लिए, देखो यहाँ पे देखो दाहिने तरफ कहाँ पे जा रहा है वो मेरा अगर इस लाइन से ना, वो उधर उधर पे था, यानी कि काफी दूर था वो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, जब भी आप लोग कोई भी गाड़ी आपका पीछे आ रहा है, ओआरबीएम का वीडियो जरूर देख लीजिए, अभी डिस्कशन करते हैं ओआरबीएम का सेटअप।
ओआरबीएम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका हेल्प लेके ही हमारा गाड़ी चलता है, ठीक है, यानी कि जजमेंट ठीक से हो पाता है। तो जब भी कोई गाड़ी आपका पीछे आ रहा है, दोनों ओआरबीएम पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, अगर ओआरबीएम ठीक से सेट है, उसका मतलब वो जो गाड़ी आपका पीछे ही आ रहा है, मगर वो गाड़ी अगर सिर्फ यहाँ पे दिखाई दे रहा है मगर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, उसका मतलब वो टारगेट ले रहा है आपको ओवरटेक करने के लिए, तभी उसको तुरंत साइड दे दीजिए अगर आप लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो अगर शुरुआत में अगर आप लोग गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, कोई रेस नहीं लगाना है, जो भी गाड़ी ओवरटेक करने का कोशिश कर रहे उसको साइड दे दीजिए, वो लोगों को जाने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वो जो गाड़ी आ रहा है कहाँ पे मेरे से दूर है, मेरे को ऐसा लग रहा है जो भी रास्ता है यहाँ पे मेरा गाड़ी पूरा इधर पे ले चुका है, मगर बिल्कुल वैसा नहीं है। इधर बैठ के ऐसा लगता है जो रास्ता का जो पोजीशन है उसको ज्यादा ले लेता है, कैप्चर कर लेता है, मगर बिल्कुल उतना जगह नहीं लेता है गाड़ी, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान पे रखना है। ये जो गाड़ी जा रहा है, मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखो ये जो रिक्शा है अभी वो इस सेक्शन पे है, ठीक है, मगर वो इस सेक्शन पे नहीं है, वो मेरा मिडिल पे है। अभी जब भी मैं इधर पे आया ना, मैं जब देख रहा हूँ उसको मिडिल पे देख रहा हूँ, तब वो मिडिल पे नहीं है, तब वो इधर पे आ गया है। ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा अभी तक, इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा। जब भी आप लोग वीडियो को देखेंगे ना, उसको मेरा बात सुनने के बाद सेकेंड टाइम जब भी आप लोग वीडियो को देखेंगे, मेरा वॉइस को बंद कर दीजिए, ठीक है। सिर्फ गाड़ी का जो यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको देखिए, पिलर को देखिए, मिडिल को देखिए, कितना डिस्टेंस जा रहा है गाड़ी, कितना डिस्टेंस गाड़ी जा रहा है मेरे दाहिने तरफ से, उसको देखिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को देखना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कितना डिस्टेंस छोड़ना है। और ब्रेजा ऐसा एक गाड़ी है जो गाड़ी का मेजरमेंट अगर आप लोग ठीक से कर पाएंगे, कोई भी गाड़ी हो आप लोग उसको ले पाएंगे, क्योंकि ये जो गाड़ी है इसके साथ स्कॉर्पियो, बोलेरो, बेलेनो, जो भी गाड़ी है उसके साथ मिलता जुलता उसका साइज है, 6 फीट का गाड़ी है, छोटा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को इस जो वीडियो है इसको बार बार देखिए, छोटा गाड़ी का जजमेंट वीडियो देख के आप लोग जजमेंट नहीं कर पाएंगे, मिनिमम 6 फीट का डिस्टेंस का वीडियो देखिए। यहाँ पे देखो कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। तो बस ऐसा ही ड्राइव करना है, बहुत ही सावधानी से करना है, रश नहीं करना है, और जब भी गाड़ी का माइलेज अगर आप लोगों को बचाना है, क्लच गियर का शिफ्टिंग कम कीजिए, हाफ क्लच ड्राइविंग मत कीजिए, क्लच खत्म हो जाएगा, और जो एक्सेलरेटर है उसको हल्का टच करके छोड़ दीजिए, गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो सामने जो भी बंदा जा रहा है मेरा लेफ्ट सेक्शन पे, वहां से भी वो दूर है, ठीक है, लेफ्ट सेक्शन का जो मिडिल है मेरा जो बाय वाला हिस्सा, उसका मिडिल से भी वो लोग दूर पे है, ठीक है। 4 नंबर गियर 5 नंबर गियर उठा दिया, 4 पे चल रहा था गाड़ी। अभी सामने देखा करो, अब मैं ज्यादा मतलब बोलूंगा नहीं, आप लोग देखो मैं कैसा ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल ड्राइव कर रहा हूँ, ज्यादा जोर से नहीं, क्योंकि पब्लिक लोकेलिटी प्लेस है, कभी भी लोग इधर उधर करता है, बहुत सावधान। ऑल्टो का टक्कर लगेगा बंदा बच जाएगा, मगर ब्रेजा का लगेगा टक्कर सीधा उड़ जाएगा भाई, तो इसीलिए सावधानी से। देखा वो जो ड्राइवर है उसको ब्रेक करना चाहिए था, क्योंकि मैं मेरा दिशा पे जा रहा था, ठीक है, वो इधर आ रहा था, राइट, मगर वो जो ड्राइवर था बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस ड्राइवर था। तो ये सब चीज से बच के राइट टाइम पे ब्रेकिंग करना बहुत ही जरूरी है, ये बहुत बहुत होता है मेरे साथ, बहुत बार ये होगा, आप लोग जब भी गाड़ी ड्राइव करेंगे बहुत बार ऐसा होगा, लगेगा लग गया, मगर बिल्कुल अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर होता है कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कोई भी गाड़ी आपके सामने आ रहा है एकदम फ्रंट हो चुके हैं, ठीक है, आप लोगों को तुरंत डिसीजन लेना है, ब्रेक करना है नहीं तो निकल जाना है, कोई एक करना है, जो भी करना है जल्दी करना है। देखो यहाँ पे देखो कहाँ पे एकदम मेरा घिस के गया था, उधर भी जगह बहुत ही कम था, राइट। देखो सामने देखते रहो, 5 नंबर गियर मैंने उठा दिया, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा जा रहा है गाड़ी, ठीक है, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से मिडिल से कोना, यहाँ पे ऐसा एंगल करके एक लाइन, ठीक है, बच गया, मर जाता तो 2000 देना पड़ता। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो चुका है ऑलरेडी,
देखो सामने कैसा जा रहा है गाड़ी, देखो यहाँ पे देख लो क्या हो रहा है, देखो ऐसा, ठीक है, देखा, बस खत्म हो चुका है, जजमेंट हो गया है। चलो वो एक गाड़ी आ रहा है, उसको मैं साइड दे देता हूँ, चलो तुम भी जाओ। वीडियो को इतना दूर तक ही रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं अगले वीडियो पे।